हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में मैंने इंटीग्रेशंस के बारे में बताया था, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल फंक्शन पर कैसे इंटीग्रेशन अप्लाई होता है ये बताया था। आज की वीडियो में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर कैसे इंटीग्रेशन अप्लाई होगा विद एग्जाम्पल्स करवाऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो, 1/√1 − x² का dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का ये होता था, बट पता है कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है, देखो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, अगर इसे कोस के फॉर्म में लाना है, साइन इनवर्स ना लिखे, कई बार हमें नीड होती है कि हमें साइन की नहीं कोस की नीड है, तो कोस के फॉर्म में अगर इसे लिखना हो तो माइनस के कोस इनवर्स एक्स प्लस सी हम इसे लिख सकते हैं। सो हमें टेंजेंट का डेरिवेटिव पता था, 1/1 + x² होता है, बट इंटीग्रेशन 1/1 + x² का क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर इसे कोटेंजेंट के फॉर्म में लिखा जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। और सीकेंट इनवर्स की अगर बात करें, सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x√x² − 1 होता था। सो इसलिए जो इंटीग्रेशन होगा dx बाय में x√x² − 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर हमें इसी को कोसिकेंट की फॉर्म में लिखना है तो नेगेटिव लग जाएगा और कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन के क्या रूल है वो। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस पर कैसे इंटीग्रेशन फॉलो करेगा वो देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ e^(x) dx, डेरिवेटिव ऑफ e^(x) का क्या होता था, सिंपल e^(x), सो इंटीग्रेशन में भी क्या हो जाएगा, e^(x) सेम रहेगा प्लस सी। अगर हम इसके अंदर एग्जांपल लें कि हमने फाइंड करना है इंटीग्रेशन e^(3x) है dx है, तो इसका क्या होगा, पहले तो फंक्शन का करेंगे, यानी कि e^(3x) e का तो e देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो इसके साथ x के साथ मल्टीपल में पड़ा है उसे हम डिवाइड कर देंगे प्लस में c एज ए कॉन्स्टेंट। सो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, देखो log x का इंटीग्रेशन क्या होता था, सॉरी डेरिवेटिव 1/x, सो उसी का एंटी है ये, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि 1/x का क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस सी। एंड e^(x), अगर हम डेरिवेटिव करते थे d/dx करते थे e^(x) का, तो क्या होता था, e^(x) एज इट इज इनटू में log ऑफ a आता था। सो इस केस में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e^(x) dx क्या होगा, e^(x) / log ऑफ a, इसमें log a जो है नीचे डिवाइड में आएगा प्लस में c एज ए कॉन्स्टेंट। अब एक एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे sin x / sin x + a है। अब हम अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, नीचे sin x + a, यानी कि sin a + b का जो फॉर्मूला होता है उसे ओपन करके हम ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन कोई भी फॉर्मूला खोलने से पहले हमें आगे सोच लेना चाहिए कि हमारा ये आगे सॉल्व हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर नीचे ज़्यादा है फंक्शंस हैं और ऊपर एक है तो हम उसे अलग अलग डिवाइड में नहीं लिख सकते। अगर ऊपर ज़्यादा है नीचे एक या दो है उससे कम है तो हम उसे अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हैं। इसलिए हम ऊपर वाले को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, नीचे वाले को सिंपल बनाने की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस मेथड का यूज़ करेंगे। पुट कर देंगे यहाँ हम x प्लस ए इक्वल टू टी, सो दैट इसका डेरिवेटिव जो dx होगा, ये dx a का तो ज़ीरो इक्वल dt होगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस a। बस इसी का हम यूज़ कर रहे हैं। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन साइन x की जगह t माइनस a बाय में साइन ऑफ t, क्योंकि इसे t पुट किया है, यहाँ पर x की जगह आ गया और dx की जगह आ जाएगा dt। अब क्या करेंगे हम इसका, साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन साइन a माइनस b, साइन a यानि कि t, कोस b यानि कि कोस a माइनस कोस a साइन b बाय में साइन t एज इट इज यहाँ dt। अब ये देखो, हम इसे इसके डिवाइड में इसे अलग कर सकते हैं, इसके डिवाइड में अलग। सो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन साइन t बाई कोस a डिवाइड में साइन t, यहाँ पर तो ये कैंसिल, ये dt माइनस में इंटीग्रेशन कोस ऑफ t साइन ऑफ a बाय में साइन t, इसके डिवाइड में लग आ गया। यहाँ पर देखो कुछ नहीं बचा, कांस्टेंट टर्म बची है। कांस्टेंट का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो वो कांस्टेंट एज इट इज साथ में x लग जाते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा कोस a इंटू में x, ठीक है, माइनस यहाँ क्या बन गया, इंटीग्रेशन कोस बाय साइन, बाहर तो साइन a कांस्टेंट है, कॉमन आ गया, यहाँ से साइन कैंसिल, कोस a है और यहाँ x को ये कांस्टेंट है इसलिए उसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा साथ में, और यहाँ से साइन a कांस्टेंट कॉमन है, और कोस बाय साइन क्या होता है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट t dt, और कोटेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसे मैं इसे लिख रही हूँ ताकि पेज ना करना पड़े। सो ये तो है हमारे पास x cos of a माइनस sin of a, और कोटेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of sin, अगर हम पॉजिटिव में लेते हैं log of mod में sin, यहाँ t, और यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, हमारा अगर t के रिस्पेक्ट में था इंटीग्रेशन तो यहाँ पर x नहीं, यहाँ t आएगा, यहाँ पर t रहेगा और यहाँ sin t और प्लस में c एज ए कॉन्स्टेंट। अब क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है, x प्लस a, यहाँ आ जाएगा x प्लस a इंटू कोस ऑफ a माइनस साइन a लॉग ऑफ मोड साइन x प्लस a प्लस में c, सो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो हमने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारा माइंड चलना बंद हो जाता है, इंटीग्रेशन में ज़्यादा हमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो हमें क्या करके देखना है कि कोई भी एक पार्ट उठाना है, उसका डेरिवेटिव करके देख लेंगे कि हो सकता है उसका डेरिवेटिव पड़ा हो और उससे हमारा काम चल जाए। सो इसलिए हम ट्राई करके देखेंगे,
डेरिवेटिव क्या होता है, या तो उसके इंटू में कुछ पड़ा हो उसका डेरिवेटिव करके देखेंगे, या उसका डिवाइड में हो उसका डेरिवेटिव करके देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया था, तो अगेन वैसे कुछ एग्जाम्पल आई हूँ, वो मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में है। इसका हम डेरिवेटिव करके देखेंगे, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का। अगर हम इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं तो ये क्या आता है, कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का प्लस कोस एक्स, यानी कि ये ऊपर वाला बन रहा है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, कोस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू टी, और इसका यहाँ हम डेरिवेटिव शो कर देंगे, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि इस पूरे की जगह हम डी टी ऑफ पुट कर सकते हैं। सो ये क्या बन गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह पुट कर दिया डी टी बाई में, और इसकी जगह क्या पुट किया था टी। अब ये सिंपल बन गया है, हमें क्या पता था, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड एक्स होता है, सो इसका भी क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी, और टी की जगह हमारा पास क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी एस कॉन्स्टेंट। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आगे कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन अगर डी एक्स बाई एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो नीचे क्या है, एक्स स्केयर पहले है ए स्केयर बाद में है, तो कुछ ऐसे याद कर लो, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर का फॉर्मूला एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए होता है। तो हम कुछ इसे ऐसे याद करेंगे कि इसके अंदर एक तो लगेगा लॉग, ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये लगेगा लॉग। अब क्योंकि एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए ऊपर और एक्स प्लस ए नीचे, इनकी इसका अगर याद रखने के लिए वैसे ऐसा कोई रूल नहीं होता। सो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, ये ध्यान रखना, अगर एक्स पहले है ए बाद में है और ये माइनस वाला है तो ऊपर ही आएगा, और वन बाई में टू ए हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, प्लस में सी एज ए कॉन्स्टेंट लगेगा ही लगेगा। और अगर हमारे पास ए जो कि है वो पहले है, इंटीग्रेशन डी एक्स ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है, यानी कि ए पहले है, तो क्या करेंगे, वन बाई टू ए लॉग ऑफ, वन बाई टू ए तो रहेगा ही रहेगा, लॉग ऑफ, देखो ए पहले है, ठीक है, तो इसका ना पूरा का पूरा रूल उल्टा हो जाएगा, एक तो ए पहले आ जाएगा, दूसरी बात प्लस ऊपर आएगा, सेम ए पहले और माइनस नीचे, इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ उल्टा हो गया, और प्लस में सी ऐसे कॉन्स्टेंट रहेगा। अब ये तो थे दोनों के बीच में माइनस का साइन है, अब अगर ऐसे हो कि इनके बीच में प्लस का साइन हो जाए, कि डी एक्स एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर हुआ, तो क्या करेंगे, ये तो हमारा टेंजेंट वाला बनता है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का कहते हैं, वन बाई वन प्लस एक्स स्केयर, और तो इसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स का सिंपली क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्केयर डेरिवेटिव होता है, लेकिन वन बाई वन प्लस ए स्केयर टेंजेंट इनवर्स एक्स उसका इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पर वन की जगह ए है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स बाई ए आ जाएगा, और वन बाई ए से ही डिवाइड प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट। अब ये विदाउट रूट थे, अगर इनके ऊपर अंडर रूट आ जाए तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे, इन तीनों के ऊपर अंडर रूट आते तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई में अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, अगर अंडर रूट आ जाए तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस अंडर रूट, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना,
एक तो लॉग लगाना है, एक एक्स प्लस में ये एज इट इज एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस में सी, और सिमिलरली अगर डी एक्स बाई में अंडर रूट इसकी जगह प्लस आ जाए ए स्क्वेयर तो भी यही काम करना है, सेम जो ये होएगा लिख देना है। अब एक रह गया कौन सा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, ये बनता है साइन का ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट। सो ये हमारे फॉर्मूलाज थे, इनके ऊपर जो एग्जांपल्स है उसकी वीडियो नेक्स्ट में बनाएंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।